ये समय संकट का समय है। संकट के दौर से हमारा देश गुजर रहा है। मैं विरोध करना नहीं चाहता, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार को कुछ बताना चाहता हूँ। विदेशों में फंसे हुए हमारे परिवारजनों को आप एयर इंडिया का प्लेन भेजकर वापस ला रहे हैं, ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन हमारे देश के उन गरीब तबकों में जीवन यापन करने वाले लोगों का क्या, जो कि इस देश के कोने कोने में अपने पेट रोजी के लिए गए हुए थे, और कोरोना की महामारी साथ में लॉकडाउन, ट्रेन, बसेस, तमाम सेवाएं बंद होना, तो वो लोग बड़े बड़े बैग पकड़ के दो दो बच्चों को यहां पर अपने कंधों पे ढोकर अपने परिवार के साथ 400-700 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया में भी हमने देखा है, फेक हो सकता है, लेकिन आपका विश्वसनीय चैनल जो दिन रात आपकी भक्ति करता है वो बता रहा है कि इस प्रकार के हालात इस देश में पैदा हुए हैं कोरोना की महामारी को देखते हुए। अब सरकार क्या करे, जब आप एयर इंडिया का प्लेन भेजकर विदेशों से हमारे परिवारजनों को ला सकते हैं, तो यहां का वो गरीब तबका जो 400-700 किलोमीटर पैदल चल रहा है कड़कती धूप में, उनके लिए भी आप बस सेवा शुरू करके उन्हें सुरक्षित अपना घर पहुंचा सकते हैं। आज 3 दिन होने को आ रहा है और लगातार इतनी न्यूज आ रही है, इतने लोग, कोई तो अभी मैंने जस्ट टीवी पे देखा है, न्यूज चैनल में देखा है कि जो दूध का टैंकर है उसे रोका नहीं जाता है, वो खाली दूध के टैंकर में 15 से 20 लोग भर के अपने घर पहुंच रहे हैं। ये एक वातावरण पैदा हुआ है। जरूर कोरोना एक महामारी है, सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार लड़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता है। जो नोटबंदी में आपने नहीं किया, लेकिन ये कोरोना जो कि अचानक से इस देश में फैला है, और श्री राहुल गांधी जी जो लगातार 2 महीने पहले से सरकार को आगाह कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग लिट्टी चोखा खाने पे व्यस्त थे, और आज हमें ये भुगतान भुगतना पड़ रहा है, तो इससे हमें लड़ना भी होगा। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि जो लोग हवा से आ रहे हैं वो भी अपने हैं, और जो पैदल 400-700 किलोमीटर चल रहे हैं वो भी अपने हैं। आपसे निवेदन है कि रोड की जो सुविधा है, जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, बस लगाया जाए, उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया जाए, क्योंकि ये देखकर मन में पीड़ा हो रही है। हम सुरक्षित अपने घर में हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो लोग, गरीब लोग जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं और इस कड़कती धूप में उन्हें पैदल जाना पड़ रहा है, हर जगह हर दुकान बंद है, पीने का पानी मुहैया नहीं है, इस प्रकार के हालात जो इस देश में हो रही है, केंद्र सरकार से निवेदन है कि कृपया इस पे अपनी परछाई डालें और इस विषय को गंभीरता से लें। साथियों, मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि मेरा होम टाउन महासमुंद है। महासमुंद जरूर छोटा है, लेकिन ये घटना महासमुंद में भी देखने को मिली कि रायपुर से खरियार रोड 2 व्यक्ति जा रहे हैं, वो भी पटरी जो रेल की पटरी होती है उसमें चलते जा रहे हैं। ये बात जब मेरे पिता को पता चली तो उन्होंने तत्काल उन लोगों से मिला और यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष से बात की और रेन बसेरा में उन्हें सुरक्षित रखाया गया। ये पहली घटना है। दूसरी घटना, मेरे घर के जस्ट बाजू एक घर निर्माणाधीन है, वहां पे गरीब परिवार 8-9 लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अयोध्या के रहने वाले हैं, वो पूरी आए थे घूमने। जब पता चला कि लॉकडाउन हो गया है तो टीटी ने उन्हें कहा कि महासमुंद में रुक जाइए, रायपुर से अयोध्या की ट्रेन नहीं है, सब बंद हो रही है, तो वो महासमुंद में रुके। हमें पता चला तो हमने उनकी व्यवस्था कराने के लिए और पूरे मोहल्ले वासियों ने उनके लिए राशन देकर, उन्हें कपड़ा देकर, मच्छरदानी देकर, लाइट लगाकर, पानी देकर एक व्यवस्था वहां पे की, जिस पर यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उनका भी बहुत सहयोग रहा है और वो आज सुरक्षित हैं। तो ये छोटी शहर की छोटी सी घटना है, देश बड़ा है, महामारी बड़ी है, तो लोगों की जो भीषण समस्या है उससे अवगत कराना एक जिम्मेदार नागरिक के हैसियत से मेरा कर्तव्य बनता है। मैं सरकार से बार बार आगाह करना चाहता हूँ कि कोरोना तो फैल गया है और उसको रोकने के लिए आप खड़े हुए हैं, चाहे वो केंद्र और राज्य दोनों सरकार हो, देश की जनता उसका पालन भी कर रही है, लेकिन जो मेरा गरीब तबका है, जिसके पास संसाधन नहीं है, उन पर आप जरूर देखें, उस विषय को गंभीरता से लीजिए और हर व्यक्ति सुरक्षित अपना घर पहुंच जाए। मैं इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन, अपील और गुहार करता हूं। जय हिंद।